मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के न्यार घाटी में न्यार फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। सीएम धामी ने एडवेंचर स्पोर्ट्स को हरी झंडी दिखाई। एडवेंचर स्पोर्ट्स से न्यारी घाटी में साहसिक खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। इससे न्यार घाटी पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशेष पहचान बना रही है। सीएम ने कहा कि न्यार घाटी के विकास और इस क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। देवप्रयाग में हर शाम गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। सीएम ने देश विदेश से आए पर्यटकों से भी पर्यटन गतिविधियों में शामिल होने की अपील की। साथ ही महाशीर मछली के हो रहे अवैध शिकार को रोकने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए। सीएम ने घोषणा करते हुए सतपुली व्यास घाट मार्ग को नेशनल हाईवे बनाए जाने, बुआखाल देवप्रयाग मार्ग को भी नेशनल हाईवे बनाए जाने के साथ ग्रामीणों से मिलने पर इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की। सीएम ने थूक जिहाद पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि देवभूमि में ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ ठोस एक्शन लिया जाएगा। न्यार घाटी फेस्टिवल में फिश एंगलिंग, राफ्टिंग, कैकिंग, ट्रैकिंग, हॉट एयर बैलून और गंगा आरती को शामिल किया गया है। हालांकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो रहे फेस्टिवल में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। के न्यार महोत्सव के माध्यम से ये पूरा क्षेत्र हमारा पर्यटन की दृष्टि से, साहसिक पर्यटन की दृष्टि से तमाम क्षेत्रों में आज एक नए डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा और यहाँ पर ये सब गतिविधियाँ होंगी। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनेगा और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि ये शानदार क्षेत्र हमारा कांगो का क्षेत्र, ये न्यार घाटी का क्षेत्र आने वाले समय में एक भव्य और अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो और यहाँ पर देश दुनिया के लोग आए और तमाम प्रकार की गतिविधियाँ, चाहे वो साहसिक खेलों के क्षेत्र में हो या पर्यटन के क्षेत्र में हो, वो विकसित हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। उत्तराखंड सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम भी कर रही है, लेकिन जो सतपाल महाराजा हैं, पर्यटन मंत्री हैं, वो हर समय इन प्रोग्रामों से नाराज दिखाई देते हैं। नहीं, हम लोगों का सबका सामूहिक प्रयास है कि ये क्षेत्र हमारा अच्छा हो, उसमें सभी की भूमिका है। पूरी सरकार हमारी एकमात्र सब कामों में लगी हुई है और सभी अपने अपने कामों के दृष्टि से पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं।